जो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया था फैराडेज लॉ, और अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लेंस लॉ। सो अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजिस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। यानी बच्चों, अगर किसी कंडक्टिंग कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स आपका टाइम के साथ में चेंज होता है, तो उस कंडक्टिंग कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। और बच्चों, वो कॉइल आपकी एक क्लोज सर्किट फॉर्म कर रही है, तो बच्चों उस सर्किट में आपकी इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगी। और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, वो जो कि आपके चेंज होने वाले फ्लक्स का अपोज करे। यानी अगर फ्लक्स आपका टाइम के साथ में इंक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगी जो कि फ्लक्स के इंक्रीज होने का अपोज करे। और बच्चों, अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि कॉइल से पास हो रहा है, वो टाइम के साथ में अगर डिक्रीज हो, तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी जो कि फ्लक्स के डिक्रीज होने का अपोज करे। तो बच्चों, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के लिए मैंने एक सेपरेट लेक्चर आपके लिए तैयार किया है। लेकिन बच्चों, फैराडे लॉ से हम देख सकते हैं कि किसी अगर कॉइल से टाइम के साथ में चेंज होने वाला फ्लक्स अगर पास हो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, सो दैट इज द डी फाई अपॉन डी टी, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होगा। और बच्चों, अगर हम लेंज लॉ से देखें, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो कुछ इस तरह से इंड्यूस होगा जो कि फ्लक्स के चेंज होने का अपोज करे। तो हम लिख सकते हैं दिस इंड्यूस ईएमएफ दैट इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। सो बच्चों, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, सो मैग्नीट्यूड दैट इज द डी फाई अपॉन डी टी। और बच्चों, लेंज लॉ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन या ईएमएफ हमारा किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो बच्चों, जहां पर माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो आपकी कॉइल से फ्लक्स चेंज होने का अपोज कर रहा है। तो बच्चों, लेंज लॉ से लिख सकते हैं हम ई इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। और बच्चों, अगर मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ का केवल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, सो दैट इज द डी फाई अपॉन डी टी, सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों, अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों, ये आपका एक बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, फिगर शो ए कॉइल प्लेस्ड इन डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल। द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 टेस्ला पर सेकेंड, सो फाइंड आउट द करेंट इन मैग्नीट्यूड विच इज पासिंग थ्रू दिस कॉइल। तो बच्चों, एरिया जो इस कॉइल का गिवन है, दैट इज द 2 मीटर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ दिस कॉइल, सो दैट इज द 5 ओम। तो बच्चों, इस कॉइल से पास होने वाली जो करंट है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मैंने आपके साथ में फॉर्मूला डिस्कस किया है, सो दिस इज द फाई इक्वल टू बी डॉट ए, वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड ए इज द एरिया वेक्टर। तो बच्चों, आप देखिए, यहाँ पर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, सो एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दैट इज द 0, सो फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा एंड थीटा इज 0 डिग्री। So from here the magnetic flux passing through this coil, so this is the B into A. So induced EMF in this coil, so this is the induced EMF in this coil in magnitude, so that equal to d phi upon dt, so this is the mod of d phi upon dt, yani jo bhi value aapki aayegi uska hum positive value lenge. So that equal to d upon dt,
and phi. So this is the B into A. So from here, this induced EMF that equal to, बच्चों देखिए area of this coil is constant, लेकिन जो आपका magnetic field है वो आपका 10 tesla per second के rate से change हो रहा है. तो बच्चों इस A को हम बाहर ले सकते हैं and that is the dB upon dt. और बच्चों आप देखेंगे ये जो question में given है dB upon dt, so that equal to 10 tesla per second. तो बच्चों A की जो वैल्यू है वो 2 मीटर स्क्वायर है जिसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं और dB upon dt, so that is the 10 tesla per second. So induced EMF that equal to A, so this is the 2 into dB upon dt, that is the 10 tesla per second. So induced EMF that equal to 20 volt. Okay, now induced current, so that is the induced EMF upon resistance. So induced current in the coil, so let it be the I, so that is the induced EMF upon resistance of this coil. So this is the I equal to V upon R simply. So this is the 20 upon resistance of this coil is 5 ohm. So the induced current, so that is the 4 ampere. So bachcho, this is the answer of your question.